कासगंज में महिला वकील का शव ऐसी हालत में मिला जिसे देखकर यूपी पुलिस के होश उड़ गए। अब इस मामले में चंद्रशेखर आजाद ने सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ से गंभीर सवाल कर दिया। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। 3 सितंबर को महिला वकील कोर्ट जाती है और कोर्ट के बाद कहीं गायब हो जाती है। उस दिन के बाद से महिला वकील को कहीं किसी ने नहीं देखा और अचानक 2 दिन बाद यानी गुरुवार को महिला वकील का शव नहर में मिलता है। महिला वकील के शव पर कोई कपड़ा नहीं और सिर से लेकर पांव तक शव पर कई चोटों के निशान। अब इस मामले को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार पर हमला बोला और यूपी पुलिस पर कई गंभीर सवाल उठा दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चंद्रशेखर आजाद ने एक पोस्ट किया है। क्या पोस्ट है वो देख लीजिए। चंद्रशेखर आजाद ने लिखा, उत्तर प्रदेश के कासगंज में बीते मंगलवार महिला अधिवक्ता की अगवा कर हत्या करने एवं बिना कपड़ों के शव का नाले में मिलने की घटना बेहद दुखद और दंडनीय है। 4 दिन से किसी की भी गिरफ्तारी न होना पुलिस प्रशासन की लापरवाही व यूपी सरकार की नाकामी का सबूत है। मैं मुख्यमंत्री जी से मामले की सीबीआई जांच करवाने और मृतका के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की मांग करता हूँ। 3 सितंबर को लापता हुई थी मृतक महिला वकील। सोमवार को कोर्ट के बाद किसी ने उसे कहीं नहीं देखा। सोमवार को कोर्ट के बाद किसी से मिलने गई। सोमवार के बाद से ही महिला वकील को किसी ने नहीं देखा। गुरुवार यानी 5 सितंबर को नहर में महिला वकील का शव मिला। शव पर कोई कपड़ा मौजूद नहीं था। सिर से लेकर पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। तो महिला वकील का शव जब मिला तो शव पर कोई भी कपड़ा मौजूद नहीं था और शव पर कई चोट के निशान थे। इस मामले में चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया। यूपी पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं लेकिन इस मामले में अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है और साथ ही साथ यूपी सरकार पर कई आरोप लगाए, कई सवाल उठाए और सीएम योगी से इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग कर दी। ये मामला क्या था ये हमने आपको बताया। चंद्रशेखर आजाद ने क्या सवाल उठाए, क्या आरोप लगाया और क्या मांग उठाई ये हमने आपको बताया, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपी की तमाम खबरें सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर देखते रहिए।